हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल सॉल्यूशन पॉइंट में। आज मैं आपके लिए संघ निडेरिया के ऑरेलिया और ओबिलिया के कुछ क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ। और इसका जो वीडियो था टॉपिक वाइज, वो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया था, फिर उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं। और कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि क्वेश्चंस इंग्लिश में हो, तो इस बार ये जो क्वेश्चन है वो इंग्लिश में है, लेकिन मैं इन्हें हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगी। तो फ्रेंड्स, आप इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी नए वीडियोस मैं अपलोड करूँ उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द सेंस ऑर्गन इन ऑरेलिया इज कॉल्ड। जो सेंस ऑर्गन होता है ऑरेलिया में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं टेंटेकुलोस्ट, टेंटेकुलोसिस्ट। नेक्स्ट है, प्रोसेस ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन द लाइफ हिस्ट्री ऑफ ऑरेलिया इज बाय। जो प्रोसेस होता है, जो प्रक्रिया होती है गैस्ट्रुलेशन की, जो लाइफ साइकिल होती है ऑरेलिया की, तो किस तरह से, किस प्रक्रिया से गैस्ट्रुलेशन का फॉर्मेशन होता है इसमें, या निर्माण होता है, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं इन्वेजिनेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा ऑफ ऑरेलिया इज, जो ऑरेलिया का लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं? उसे प्लानुला लार्वा कहते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेलिया बिलोंग्स टू ऑर्डर। जो ऑरेलिया होता है वो किस ऑर्डर या किस गण को बिलोंग करता है? तो इसका आंसर होगा आपका सीमियोस्टोमी, सीमियोस्टोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेलिया जनरली नोन एज, ऑरेलिया का जो जनरल नाम होता है वो क्या होता है? उसे कहते हैं जेली फिश, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच जोइड इज डोमिनेंट इन ऑरेलिया। कौन सा जोइड होता है जो अरेलिया में डोमिनेंट होता है? तो इसमें दो अवस्थाएं होती हैं, पॉलिप और मेड्यूसा। और जो मेड्यूसा अवस्था होती है, इससे लैंगिक जनन होता है, ये मेल और फीमेल गैमीट को प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर होगा बी, मेड्यूसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेलिया मेंटेन द इक्विलिब्रियम विद द हेल्प ऑफ। जो ऑरेलिया होता है वो किसकी सहायता से साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम को मेंटेन रखता है? तो ये टेंटाकुलोसिस्ट के द्वारा मेंटेन करता है, क्योंकि जो टेंटाकुलोसिस्ट होता है वो इनका सेंस ऑर्गन भी होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑरेलिया इज, ऑरेलिया कैसा होता है? तो ये कार्निवोरस होता है, मींस मांसाहारी होता है। नेक्स्ट है, नर्व नेट प्रेजेंट इन, इन चार ऑप्शन, तीन ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन तीनों ऑप्शन में नर्व नेट किस में उपस्थित होता है? तो वो ऑरेलिया में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफायरा इज, इफायरा लार्वा होता है तो ये किसका लार्वा होता है? तो ये यंग ऑरेलिया का लार्वा होता है। जो यंग ऑरेलिया होता है, जो सबसे पहले अवस्था बनती है लार्वल, लार्वा में जो कई तरीके की अवस्थाएं होती हैं, तो उसमें जो सबसे पहली स्टेज आती है वो इफायरा लार्वा बनता है, और प्लानुला इसका डेवलप्ड लार्वा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द फीडिंग हैबिट ऑफ ओबेलियन मेड्यूसा इट इज़ कॉल्ड एज। जो फीडिंग हैबिट होती है, जो ओबेलियन मेड्यूसा होते हैं, ओबेलिया में भी मेड्यूसा और पॉलिप अवस्था होती है, तो जो ओबेलियन मेड्यूसा होते हैं उनकी जो फीडिंग हैबिट होती है वो किस पे बेस्ड होती है? तो ये कैसे होते हैं? कार्निवोरस होते हैं, मींस मांसाहारी, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एज सीन इन ओबेलिया इज टर्म्ड एज। जो ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, या इसको हिंदी में पीढ़ी एकांतरण भी कहते हैं, तो जो पीढ़ी एकांतरण होता है ओबेलिया में कैसा देखा जाता है, उसको क्या टर्म दिया गया है, क्या नाम दिया गया है? तो ये होता है मेटाजेनेसिस, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओबेलिया इज, ओबेलिया कैसा होता है? तो इसका आंसर होगा आपका डायमॉर्फिक होता है। जो इसकी संरचना होती है वो कैसी होती है? डायमॉर्फिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेड्यूसा ऑफ ओबेलिया डिफर फ्रॉम ऑरेलिया इन हैविंग। जो मेड्यूसा अवस्था जो होती है ओबेलिया और ऑरेलिया दोनों में होती है, तो जो ओबेलिया का मेड्यूसा होता है वो ऑरेलिया के मेड्यूसा से किस तरह से डिफर करता है, या किस तरह से भिन्न होता है? तो इसका आंसर होगा अ रोपेलियम, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ टेंटिकल्स ऑफ ओबेलिया मेड्यूसा इज। जो संख्या होती है ओबेलिया के टेंटिकल्स में, ओबेलिया का जो मेड्यूसा होता है उसमें जो टेंटिकल्स होते हैं वो कितने होते हैं? तो इसका आंसर होगा 16 होते हैं, 16, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा ऑफ ओबेलिया इज। जो ओबेलिया का लार्वा होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसके लार्वा को भी क्या बोलते हैं? प्लानुला लार्वा। नेक्स्ट है, ओबेलिया इज अ हाइड्रॉइड ऑफ। ओबेलिया होता है किसका हाइड्रॉइड होता है? तो इसका आंसर होगा ये मैराइन वाटर में रहता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोलन ऑफ ओबेलिया इज नोन एज।
जो स्टोलन होता है ओबेलिया का, वो किस नाम से जाना जाता है? स्टोलन वो होता है जिससे ये किसी सबस्ट्रेटम या आधार से चिपकते हैं, तो इसका जो स्टोलन होता है वो किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, हाइड्रोराइजा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीनोसार्क इज अ, जो सीनोसार्क स्टेज होती है या अवस्था होती है ये क्या होती है, या सीनोसार्क को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा इनर ट्यूबुलर लिविंग। ये कैसी होती है? आंतरिक नालाकार, और ये लिविंग स्टेज होती है। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिटी, जो न्यूट्रिटिव जॉइड ऑफ ओबेलिया, जो नरिशमेंट या न्यूट्रिशन या प्रोवाइड करते हैं, पोषण प्रोवाइड करते हैं ओबेलिया के जॉइंट्स को, तो उसे क्या बोलते हैं? तो इसका आंसर होगा इन सब में से सभी होगा हाइड्रेंथ, गैस्ट्रोजॉइट्स और ट्रोफोजॉइट्स, ऑप्शन डी ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ब्लास्टोजॉइट्स इज, जो ब्लास्टोजॉइट्स होता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा गोनोजॉइट्स, मतलब ये क्या करते हैं, गोनट्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट आता है मेनुम्ब्रियम एंड वेलम आर द पार्ट ऑफ, जो मेनुम्ब्रियम और वेलम होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं या किसके भाग होते हैं? तो ये मेड्यूसा के भाग होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हैप्लॉइड स्टेज इन लाइफ ट्री ऑफ ओबेलिया, जो हैप्लॉइड स्टेज होती है ओबेलिया के जीवन चक्र में, या अगुणित, हैप्लॉइड को अगुणित भी बोलते हैं, जो अगुणित अवस्था होती है लाइफ साइकिल में ओबेलिया के, या जीवन चक्र में ओबेलिया के, तो वो कौन सी होती है? तो इसका आंसर होगा गैमीट्स होती है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टैटोसिस्ट इज अ सेंस ऑर्गन प्रेजेंट इन, जो स्टैटोसिस्ट सेंस ऑर्गन होता है वो किस में उपस्थित होता है? तो ये मेड्यूसा में उपस्थित होता है, ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।